नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 7th फेस रिजल्ट 2023 को लेकर आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। भाई यहां पर आपको बीपीएससी 7th फेस का रिजल्ट कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन देती है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़ जाओ। अब चले चलते गूगल की साइट पर। बीपीएससी 7th फेस का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्या सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एनटीआर रिजल्ट। जैसे यहाँ पर आप एनटीआर रिजल्ट सर्च करते हो तो एनटीआर रिजल्ट यहाँ पर आपको साइट टॉप पर देखने को मिल जाती है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आ सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आप एनटीआर रिजल्ट की वेबसाइट पर इंटर होते हो तो अगला इंटरफेस कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट न्यूज का आपको सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप रिजल्ट के सेक्शन में चेक करना है क्या बीपीएससी 7th फेस का रिजल्ट अभी तक आया या नहीं आया। तो मैं यहां पर चेक करता हूं, तो अभी तक आप देख सकते हो कि बीपीएससी 7th फेस का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, मतलब अभी तक यहां पर बीपीएससी 7th फेस का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही आता है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, अभी तक तो यहां पर जारी नहीं किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि कभी भी बीपीएससी 7th फेस का रिजल्ट आ सकता है, शाम सवेरे में कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। तो जैसे ही आता है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या पता वीडियो आप तक पहुंचे तब तक रिजल्ट आ जाए। तो जाइए जाकर चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर एक अपडेट के लिए मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।